Hello everyone, welcome to Elite Script. In this particular session, we are going to discuss coins picking problem. काफी स्टूडेंट को इस सेक्शन में इश्यू आता है. हम लोग इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम्स को दो पार्ट में डिवाइड करेंगे. आज की क्लास में हम लोग दो लोगों के लिए क्वाइन पिकिंग डिस्कस करेंगे. नेक्स्ट सेशन में वी विल डिस्कस क्वाइन पिकिंग फॉर थ्री पर्सन ऑल्सो. तो दो और तीन पर्सन के लिए तुम्हारे में क्वेश्चन बनते हैं और वो हम लोग डिस्कस करेंगे. आज बेस अपना अच्छा कर लो, किस तरह से क्वेश्चन सॉल्व करते हैं इस टाइप के, कैसे फॉर्मेशन होता है, व्हाट इज द डिमांड ऑफ क्वेश्चन, एवरीथिंग इज इंपॉर्टेंट फॉर यू. बिफोर स्टार्टिंग द सेशन, प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड प्लीज लाइक एंड कमेंट रेगुलरली, जिससे थोड़ा आइडिया लगता रहे कि आपके लिए भी चीजें बेनिफिशियल हो रही, तभी बनाने का मजा भी आता है. स्टार्ट करते हैं हमारा डिस्कशन और देखते हैं कि आज के सेशन से क्या लर्निंग ले सकती थी. और स्टार्ट करते हैं. चलो नाउ अंडरस्टैंड कि कॉइंस पिकिंग प्रॉब्लम की जब हम लोग बात करते हैं और जब हम लोग दो पर्सन के बारे में बात करते हैं कि लेट यू हैव टू पर्सन ए एंड बी. अगर दो पर्सन ये गेम को खेल रहे हैं तो हम लोग ये पहले से मान के चलते हैं कि ये दोनों पर्सन जो है वो इंटेलिजेंट है. दिस शुड बी द सिनारियो. ऐसा नहीं है कि एक पर्सन लूज करने के लिए खेल रहा और एक पर्सन केवल विन करने के लिए. नो, दिस इज नॉट द सिनारियो. वो वैसे मेंशन भी कर देते हैं, अगर कभी कभी मेंशन करना भूल भी जाए. किसी किसी क्वेश्चन में होता है कि वो मेंशन नहीं करते, बट यू शुड अंडरस्टैंड दैट ए एंड बी आर प्लेइंग इंटेलिजेंटली. इंटेलिजेंटली ए और बी खेल रहे हैं, मतलब दोनों ही जीतने के लिए खेल रहे हैं. बट देन दे विल गिव द सिनारियो कि विच प्लेयर विल बी द बेटर वन एंड विच विल विन द गेम. कौन सा प्लेयर बेटर है और कौन गेम जीतेगा तुम्हारा. इस पर ही कुछ प्रॉब्लम होते हैं. प्रॉब्लम बनते कैसे हैं, क्या क्या सिनारियो होता है, वो हम लोग क्वेश्चंस के थ्रू सीखेंगे. बट एक चीज समझ लो कि इसमें तुम बहुत ज्यादा चेकिंग नहीं कर सकते हो हर बार. एक प्रॉपर पैटर्न बनता है जिसके अकॉर्डिंग तुम क्वेश्चन सॉल्व करते हो. नाउ अंडरस्टैंड व्हाट इज द क्वेश्चन. ये पहला क्वेश्चन है तुम्हारा. Now understand. The question is, there are 105 coins on the table. Table पे 105 coins रखे हुए. You and your opponent take turns to pick 1 to 10 coin. There are two persons, let A and B. They can pick minimum 1 and maximum 10 coins. In the same way, B can pick minimum 1 and maximum 10 coins. This is the scenario given. How many coins should you pick? मतलब ए मान लेते हैं इज अ यू. हाउ मेनी क्वाइंस शुड ए पिक इन ऑर्डर टू विन केस वन और केस टू. इस टाइप का क्वेश्चन कैट में बना हुआ है ऑलरेडी और बहुत साल से इस टाइप का क्वेश्चन का फॉर्मेशन नहीं हुआ, तीन चार साल से. तो तुम एक्सपेक्ट कर सकते हो कि शायद इस बार वो दे दे इस टाइप का क्वेश्चन. सो क्वेश्चन ए क्या कह रहा है, व्हेन द पर्सन टू पिक द लास्ट क्वाइन इज द विनर. जो लास्ट क्वाइन पिक कर रहा है पर्सन, दैट पर्सन इज द विनर. पहले मैं ये चीज एकदम बेसिक से बताऊंगा, देन वी विल अंडरस्टैंड हाउ टू सॉल्व दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन डायरेक्टली. किस तरह से डायरेक्टली सॉल्व करते हैं. समझो कि जो ए और बी का सिनारियो होता है, ये तुम्हारा केस वन टाइप ऑफ क्वेश्चंस है. केस वन टाइप जहां पर जो मिनिमम नंबर ऑफ क्वाइन होते हैं दे कैन पिक, दैट इज इक्वल टू वन. जो मिनिमम क्वाइन स्टार्ट होता है वो वन से स्टार्ट होता है. हम लोग एक बेसिक सा एग्जांपल ले रहे हैं. लेट करो टेबल पे टोटल नंबर ऑफ क्वाइन जो है वो 11 है. लेट करो टेबल पे टोटल नंबर ऑफ क्वाइन 11 है, ठीक है. एंड द लास्ट पर्सन हु पिक द लास्ट क्वाइन इज विनर. नाउ अंडरस्टैंड, जब 11 क्वाइन है टेबल पे, 11 क्वाइन का मतलब जो वो लोग मिनिमम और मैक्सिमम का सम मेंटेन कर सकते हैं. मिनिमम क्वाइन दे कैन पिक 1, मैक्सिमम दे कैन पिक 10. तो मिनिमम और मैक्सिमम के सम के इक्वल क्वाइन है 11 क्वाइन है. पहले मान लो कि ए को, ए और बी दो प्लेयर थे, पहले ए को स्टार्ट मिला क्वाइन पिक करने का. अब लेट करो कि ए ने 1 क्वाइन पिक किए, तो बी क्या करेगा कि बी 10 क्वाइन पिक कर लेगा और ही विल बी द विनर, बिकॉज व्हेन द पर्सन टू पिक द लास्ट क्वाइन इज द विनर. अगर ए 2 क्वाइन पिक करेगा बी 9 पिक कर लेगा, ए 3 पिक करेगा तो बी 8 पिक कर लेगा, अगर ए 10 पिक करेगा तो बी 1 पिक कर लेगा. दैट मींस अगर टेबल पे 11 क्वाइन पड़े हुए हैं, टेबल पे अगर 11 क्वाइन पड़े हैं, मिनिमम दे कैन पिक 1 क्वाइन एंड मैक्सिमम दे कैन पिक 10 क्वाइन, और टेबल पे अगर 11 क्वाइन पड़े हैं और ए ने स्टार्ट किया है, देन ए विल ऑलवेज लूज दिस गेम.
ए हमेशा इस गेम को हारेगा। अगर लास्ट पर्सन हु विल पिक द क्वाइन इज विनर, जो पर्सन लास्ट में क्वाइन पिक कर रहा है, इफ दैट पर्सन इज द विनर देन ए विल ऑलवेज लूज दिस गेम। अगर ए स्टार्ट कर रहा है, 11 क्वाइन जब टेबल पे रह गए हैं, 11 क्वाइन अंडरस्टैंड, अगर 11 क्वाइन टेबल पे रह गए हैं तो ए कितने भी क्वाइन पिक कर ले, बी हमेशा ये मैच जीत जाएगा। इसी तरह थोड़ा सा एक्सटेंड करते हैं इस चीज को, एक बार प्रोसेस समझ जाओगे तो यू विल अंडरस्टैंड दिस कंप्लीटली। जैसे मान लो कि 22 क्वाइंस है टेबल पे, मतलब मिनिमम प्लस मैक्सिमम टू टाइम्स, 2 × 1 + 10, 22 क्वाइंस है टेबल पे। ए और बी की चल रही चीजें, ए ने लेट करो 1 क्वाइन पिक किए। होता क्या है कि ए और बी अगर इंटेलिजेंटली खेल रहे होते हैं ना, तो वो हमेशा ये चाहते हैं कि वो किसी तरह से 11 का सम मेंटेन करके चले, तभी वो इंटेलिजेंटली खेल रहे होते हैं। अगर वो 11 का सम मेंटेन नहीं करेंगे ना, तो वो इंटेलिजेंटली नहीं खेल रहे। मतलब जैसे ए अगर 1 क्वाइन पिक करेगा तो बी अपने आप ही 10 क्वाइन पिक कर लेगा। बी अगर इंटेलिजेंटली खेल रहा है तो बी समझ जाएगा कि अगर मैं 10 क्वाइन पिक कर लूंगा तो टेबल पे अब 11 क्वाइन पिक रह जाएंगे। 22 क्वाइंस थे टोटल, ए ने 1 क्वाइन पिक किया तो बी अपने आप ही 10 क्वाइन पिक कर लेगा। जब इंटेलिजेंटली खेलते हैं तो मिनिमम और मैक्सिमम क्वाइन का मेंटेन करके चलते हैं। ए ने जैसे ही 1 पिक किया तो बी अपने आप ही 10 पिक कर लेगा। अब 11 क्वाइन रह गए, अब ए अगर 1 फिर से पिक करेगा तो बी 10 पिक कर लेगा, ए अगर 2 पिक करेगा तो बी 9 पिक कर लेगा, ए 3 पिक करेगा तो बी 8 पिक कर लेगा, ए 10 पिक करेगा तो बी 1 पिक कर लेगा। दैट मींस अगेन बी विल बी द विनर। अगर ए ने 1 क्वाइन पिक किए तो बी 10 क्वाइन पिक करके 1 + 10 करके टेबल पे 11 क्वाइंस लीव कर देगा, 11 क्वाइंस टेबल पे लीव कर देगा एंड ही विल बी द विनर। तो मोटो क्या हो रहा है बेटा, एक और एग्जांपल देता हूं जिससे और क्लियरिटी बढ़ेगी। जैसे मान लो 13 क्वाइंस है टेबल पे, ए गेम को स्टार्ट कर रहा है, बी पहला केस हम लोग कर रहे हैं। When the person to pick the last coin is winner, हम लोगों से पूछा जा रहा है कि ए कितने क्वाइन पिक करे, ए कितने क्वाइन पिक करे कि ए विल बी द विनर। पहले राउंड में जब पहला ए ने स्टार्ट किया है तो ए कितने क्वाइन पिक करे कि ए विनर। समझना, ए क्या करेगा, ए चाहेगा कि टेबल पे 11 क्वाइन लीव कर दे, उतने क्वाइन ए पिक कर ले जिससे कि टेबल पे 11 क्वाइन रह जाए। समझो, ए ने मतलब जैसे ही ए 2 क्वाइन पिक करेगा, ए जैसे ही 2 क्वाइन पिक करेगा टेबल पे अब रह गए 11 क्वाइन। बी अब कितने भी क्वाइन पिक करता रहे, बी ने लेट करो जैसे 1 क्वाइन पिक किया तो ए 10 क्वाइन पिक करके गेम खत्म कर देगा, बी ने अगर 2 क्वाइन पिक किए तो ए 9 क्वाइन पिक करके गेम खत्म कर देगा, ए लास्ट पिक कर रहा है, बी ने 3 क्वाइन पिक किए तो ए 8 पिक करके खत्म कर देगा गेम, बी ने अगर 9 क्वाइन पिक किए तो ए 2 पिक करके खत्म कर देगा, बी ने अगर 10 क्वाइन पिक किए तो ए 1 पिक करके खत्म कर देगा। तो अगर ए को जीतना है गेम को तो ए टेबल पर कितने क्वाइन लीव कर देता है, 11 क्वाइन। तो अगर ए टेबल पे 11 क्वाइन लीव कर देगा तो मतलब वो विनर हर केस में बन जाएगा। या तो वो 11 क्वाइन लीव करे, या वो 22 क्वाइन लीव कर दे, या वो 33 क्वाइन लीव कर दे, या वो 44 क्वाइन लीव कर दे, या वो 55 क्वाइन लीव कर दे। दैट मींस ए जो है टेबल पर 11 के अगर क्वाइन लीव कर देगा, मिनिमम प्लस मैक्सिमम का मल्टीपल, तो ए विल बी द विनर इन ऑल द केसेस। एक मैं एग्जांपल और दिखाता हूं जिससे तुम डायरेक्ट इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओ। जैसे मान लो टेबल पे रखे हैं 25 क्वाइंस, ए और बी ने गेम स्टार्ट किया एंड द पर्सन हु विल पिक द लास्ट क्वाइन इज द विनर। तो ए क्या करेगा, 11 का मल्टीपल मतलब 22 क्वाइंस टेबल पे लीव कर देगा, मतलब पिक कितने कर लेगा, 3 क्वाइन पिक कर लेगा। जैसे ही 3 क्वाइन पिक किया, अब 22 क्वाइंस टेबल पे रह गए, अब बी जितने भी पिक करता रहे ए विल बी द विनर। देखो
लेट करो बी ने, तुमने सोचा कि बी को मैं 8 पिक करा देता हूं, बी को 8 पिक कराओगे तो ए 3 पिक कर लेगा। अब कितने रह गए टेबल पे, 11 रह गए। अब बी 1 पिक करे तो ये 10 पिक कर लेगा, ये 2 पिक करे ये 9 पिक कर लेगा, एंड सो ऑन। मतलब अगर ए टेबल पे 11 का मल्टीपल लीव कर देगा तो ए विल बी द विनर इन ऑलवेज केस, ए हमेशा क्या हो जाएगा, विनर हो जाएगा। अगर टेबल पे पहले से ही, अगर टेबल पे पहले से ही 11 का मल्टीपल है, मान लो कह दे कि टेबल पे 33 क्वाइंस है, ए और बी गेम कर रहे हैं, मिनिमम दे कैन पिक 1, मैक्सिमम दे कैन पिक 10, मिनिमम 1 मैक्सिमम 1, और ए इज स्टार्टिंग द गेम, ए गेम को स्टार्ट कर रहा है। अब ए जितने भी क्वाइन पिक करे, 1 पिक करेगा तो बी 10 पिक कर लेगा, ये 2 पिक करेगा तो ये 9 पिक कर लेगा, ये 3 पिक करेगा तो ये 8 पिक कर लेगा, बी विल बी द विनर। अगर टेबल पे पहले से ही 11 के क्वाइन है तो ए कभी नहीं जीत सकता। अगर मैं कह दूं कि टेबल पे 99 क्वाइंस हैं और ए गेम को स्टार्ट कर रहा है, हाउ मेनी क्वाइंस ही शुड पिक टू विन दिस गेम, ए कैन नॉट विन दिस गेम। लेकिन अगर टेबल पे 105 क्वाइंस हैं, जल्दी से बोल दो, देयर आर 105 क्वाइंस ऑन द टेबल, यू एंड योर अपोनेंट टेक टर्न्स टू पिक 1 टू 10 क्वाइंस इन ईच टर्न, हाउ मेनी क्वाइंस शुड यू पिक इन ऑर्डर टू विन, मुझे बता दो, व्हेन द पर्सन टू पिक द लास्ट क्वाइन इज द विनर, ए कितने क्वाइन पिक करे कि ए विनर हो जाए, जल्दी बोलो, ए कितने क्वाइन पिक करे, ए शुड पिक, ए 99 क्वाइन लीव कर देगा टेबल पे और 6 क्वाइन खुद पिक कर लेगा, 6 क्वाइन पिक कर लेगा और 99 लीव कर देगा, 99 मिनिमम प्लस मैक्सिमम के सिनारियों पे चलता चला जाएगा, 6 क्वाइन पिक करेगा, 99 समझदारी से अगर खेल रहे होंगे तो 99 मेंटेन होके ए पर एंड हो जाएगा। आई होप यू गॉट द कॉन्सेप्ट, तुम्हें समझ आ गया। एक क्वेश्चन मैं इसका दे रहा हूं, जल्दी से मुझे करके इसका आंसर बता दो, जल्दी से करके, सेम पहला वाला क्वेश्चन विथ हेल्प ऑफ 50 क्वाइंस, मुझे बता दो कि ए टेबल पे कितने क्वाइन लीव करे, ए टेबल पे कितने क्वाइन लीव करे कि वो विनर हो जाए, या तो मैं ये कहूं कि व्हेन द पर्सन टू पिक द लास्ट क्वाइन, कितने क्वाइन पिक करे कि वो विनर हो जाए। 44 क्वाइन टेबल पे लीव कर देगा, दैट मींस ही विल पिक 6 क्वाइंस, 6 क्वाइन ए पिक करके गेम को वहीं पे एंड कर देगा। केस 2 पे आते हैं, ये क्लियर है तो एक लाइक जरूर कर दो, अगर ये पूरा क्लियर है तो एक लाइक जरूर कर दो, लाइक कर दो एक। बी पर आते हैं, बी सेकंड केस है, सेकंड केस क्या कह रहा है, व्हेन द पर्सन टू पिक द लास्ट क्वाइन इज द लूजर, सेम चीज चल रही है, मिनिमम दे कैन पिक इज इक्वल टू 1, मैक्सिमम दे कैन पिक इज इक्वल टू 10, मिनिमम दे कैन पिक 1, मैक्सिमम दे कैन पिक 10, मिनिमम 1 मैक्सिमम 10, और व्हेन द पर्सन टू पिक द लास्ट क्वाइन इज लूजर, लास्ट क्वाइन जो पिक कर रहा है वो अब लूजर है। देखो जैसे मान लो टेबल पे 12 क्वाइंस रखे, टेबल पे 12 की जगह थोड़ा सा और बढ़ा देता हूं, चलो टेबल पे जैसे 13 क्वाइंस रखे, टेबल पे अगर 13 क्वाइन रखे, 2 पर्सन स्टार्ट कर रहे हैं गेम को, ए और बी, ए गेम को स्टार्ट कर रहा है, ए कितने क्वाइन पिक करे जिससे कि ए विल ऑलवेज बी द विनर, ए विनर हो, मतलब व्हेन द पर्सन टू पिक द लास्ट क्वाइन इज लूजर, मतलब लास्ट क्वाइन कौन पिक कर रहा हो बेटा, बी पिक कर रहा हो, ए कितने क्वाइन पिक करे जिससे कि लास्ट क्वाइन बी पिक करे। नाउ अंडरस्टैंड, अब टेबल पे पता है कितने क्वाइन लीव करने होते हैं, अब टेबल पे 11 के प्लस 1 क्वाइन लीव करने होते हैं, 11 के प्लस 1 का मतलब ये है मिनिमम प्लस मैक्सिमम का मल्टीपल प्लस 1, अंडरस्टैंड दिस, अगर वो टेबल पे 12 क्वाइंस लीव कर देगा, 1 प्लस 10 11, 11 के प्लस 1 मतलब 12 क्वाइंस, टेबल पे 12 क्वाइन लीव कर दे, कितने पिक करे, 1 पिक करे। नाउ अंडरस्टैंड, 1 क्वाइन पिक किया, टेबल पे रह गए 12 क्वाइंस, टेबल पे अगर 12 क्वाइन रह गए, अब बी के बारे में सोचो, अब गेम तुम्हारा बना है, बी के बारे में सोचो, बी ने मान लो कि 1 क्वाइन पिक किया, ए क्या करेगा कि ए 10 क्वाइन पिक कर लेगा, 11 का सम ए मेंटेन करके 1 क्वाइन टेबल पे लीव कर देगा,
11 का सम यहां से मेंटेन हो गया बचे 12 क्वाइन में, एक क्वाइन टेबल पे लीव कर देगा जिसको बी को उठाना ही उठाना पड़ेगा, तो बी विल बी द लूजर, बी द व्हेन द पर्सन टू पिक द लास्ट क्वाइन इज लूजर, बी को उठाना पड़ेगा। समझो ए ने अगर 2 क्वाइन पिक किए होते, बी ए क्या करता कि ए 9 क्वाइन पिक कर लेता, टेबल पे एक क्वाइन लास्ट में लीव कर देता जो बी को उठाना पड़ता। अगर बी ने बेटा 3 क्वाइन पिक किए होते तो ए क्या करता, ए 8 क्वाइन पिक कर लेता और एक क्वाइन टेबल पे लीव करता और फिर से बी हार जाता। अगर ए ने 10 क्वाइन भी पिक किए होते तो ए 1 पिक करता, अगर बी ने 10 क्वाइन पिक करता तो ए 1 पिक कर लेता और लास्ट में टेबल पे एक लीव करा देता। मतलब अब जब लास्ट पर्सन टू पिक द लास्ट क्वाइन इज लूजर, द पर्सन टू पिक द लास्ट क्वाइन इज लूजर, लास्ट क्वाइन जो लूजर कर रहा है तो कितने लीव करने होंगे, 11k+1। तो पहले केस में हमें टेबल पे कितने लीव कराने होते हैं, मिनिमम प्लस मैक्सिमम का मल्टीपल। सेकेंड केस में हमें कितने लीव कराने होते हैं, मिनिमम प्लस मैक्सिमम के मल्टीपल का प्लस वन। बाकी क्वाइन हम लोग पिक कर ले, वी विल बी द विनर। एक एग्जांपल देता हूं, इसके बाद एक क्वेश्चन तुम लोग करोगे इसका। एक एग्जांपल देता हूं, जैसे मान लो कि ए और बी दो प्लेयर हैं, दे कैन पिक मिनिमम 1 एंड मैक्सिमम 4, मिनिमम 1 एंड मैक्सिमम 4। टेबल पे जो टोटल नंबर ऑफ क्वाइंस रखे हुए हैं दैट इज इक्वल टू 24 क्वाइंस है। पहला ए केस, बी केस। पहला केस है व्हेन द पर्सन टू पिक द लास्ट क्वाइन इज विनर, पहला केस जो पर्सन लास्ट क्वाइन है पिक कर रहा है वो विनर है। मतलब हमें कितने लीव करने होंगे, 1+4 का मल्टीपल, 5k का मल्टीपल हम लोग टेबल पे लीव कर देंगे। तो मतलब 20 क्वाइंस हम लोग टेबल पे लीव कर देंगे, बाकी बचे हुए 4 क्वाइंस वी विल पिक। अगर पहला चांस तुम्हें मिल रहा है, ए पर्सन विल पिक 4 क्वाइंस एंड ही विल बी द विनर। सेकंड केस, व्हेन द पर्सन टू पिक द लास्ट क्वाइन इज लूजर, मतलब 5k+1 हम लोग टेबल पे लीव कर देंगे। 5k+1 टेबल पे जैसे ही लीव करेंगे, मतलब हमने कितने क्वाइन टेबल पे लीव कर दिए, 21 क्वाइंस टेबल पे लीव कर दिए। 21 क्वाइंस टेबल पे लीव कर दिए, दैट मींस वी विल पिक 3 क्वाइंस। 3 क्वाइन पिक करेंगे, 21 क्वाइन टेबल पे लीव कर देंगे। 21 क्वाइन टेबल पे लीव कर दोगे, यू विल बी द विनर। आई होप दीज टू मेथड्स आर क्लियर टू यू, कि जब लास्ट पर्सन विनर होता है, जो पिक करता है लास्ट क्वाइन, दैट इज द विनर। देन वी हैव टू लीव द मिनिमम प्लस मैक्सिमम मल्टीपल। व्हेन द पर्सन टू पिक द लास्ट क्वाइन इज लूजर, वी हैव टू लीव 5k+1। एक क्वेश्चन मैं दे रहा हूं, करो जल्दी से। देर आर 25 क्वाइंस ऑन द टेबल, you and your opponent take turns to pick 1-7 coin in each turn. How many coins should you pick in order to win when the person to pick the last coin is winner? तो मतलब last coin winner है, minimum 1 है, maximum 7 है, इसका multiple leave करोगे तो 24 coin table पे leave कर दोगे। 24 coin अगर table पे leave कर दोगे, you will pick 1 coin. एक क्वाइन तुम पिक कर लोगे। योर आंसर विल बी हाउ मेनी क्वाइंस यू शुड पिक ओनली 1 क्वाइन, एंड दैट शुड बी योर आंसर। आई होप द कॉन्सेप्ट इज क्लियर टू यू। अब सेकंड वैरायटी ऑफ क्वेश्चन पे जाते हैं हम लोग। फर्स्ट वैरायटी क्या थी क्वेश्चन की, जहां पे मिनिमम वैल्यू 1 दी होती है। मिनिमम वैल्यू 1 दी होती है तो तुम्हें ज्यादा सोचने की नीड नहीं पड़ती है, यू विल जस्ट पुट मिनिमम प्लस मैक्सिमम एंड योर गेम इज ओवर। आई होप द कॉन्सेप्ट ऑफ मिनिमम वैल्यू 1 एंड मैक्सिमम एनी वैल्यू, यू कैन सॉल्व दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस इजीली। ठीक है, अगर समझ आ गया हो तो एक लाइक जरूर कर दो। थर्ड, जब हम लोग 3 वाला भी करेंगे नेक्स्ट सेशन में, जहां पर मिनिमम वैल्यू 1 भी हो सकती है और मिनिमम कुछ और भी हो सकता है, अब थोड़ा सा इसी कॉन्सेप्ट को एक्सटेंड करते हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन, कह रहा है कि देयर आर 22 क्वाइंस ऑन द टेबल। नाउ यू हैव 22 क्वाइंस ऑन द टेबल। ए स्टार्ट्स मिनिमम 4 मैक्सिमम 8 क्वाइन, यू कैन पिक मिनिमम 4 क्वाइन
एंड मैक्सिमम 8 कॉइंस। दो पर्सन खेल रहे हैं, मैं पूरी सिनारियो बता दे रहा हूं, पूरा क्वेश्चन सही से मेंशन नहीं किया मैंने। दो पर्सन खेल रहे हैं, ए और बी। ए और बी दे कैन पिक मिनिमम 4 मैक्सिमम 8, मिनिमम 4 मैक्सिमम 8। द वन हु पिक्स लास्ट लूजेस, द वन हु पिक्स लास्ट लूजेस। हाउ मच शुड ए पिक अप एंड इफ नंबर ऑफ क्वाइन फॉल्स बिलो 4 द गेम एंड्स। अगर नंबर ऑफ क्वाइन 4 से नीचे गिरते हैं तो गेम एंड हो जाता है। अंडरस्टैंड कि किस तरह से इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाता है। क्या होता है बेटा कि यहां पे 22 कॉइंस हैं। जैसे मैंने स्टार्ट में ही कहा कि ए और बी अगर इंटेलिजेंटली खेल रहे होते हैं ना, ए और बी अगर दोनों इंटेलिजेंटली खेल रहे हैं तो हमेशा ए और बी क्या करते हैं, मिनिमम और मैक्सिमम का सम मेंटेन करके चलते हैं। हमेशा इनका ट्राई यही होता है कि मिनिमम और मैक्सिमम का सम मेंटेन रहे मेरा। इसका मतलब यह है कि पहले अगर ए को चांस मिला, देखना ध्यान देना, पहले अगर ए को चांस मिला तो ए ने जैसे मान लो 4 कॉइन पिक किए, बिकॉज मिनिमम दे कैन पिक 4, ए ने 4 पिक किए, तो बी क्या करेगा, मिनिमम प्लस मैक्सिमम का सम है 12, तो बी उस सम को मेंटेन करने के लिए 8 पिक कर लेगा। बी ने 8 पिक कर ली। अब बात आएगी ए की, ए फिर से उस सम को मेंटेन करने के लिए फिर 4 पिक करेगा, ए ने फिर से 4 पिक किया। अगर ए 4 पिक करेगा तो बी फिर से 8 पिक करेगा। तो दैट इज, दैट मीनिंग ऑफ दिस इज कि पहले देखो 4 कॉइन पिक हुए थे। थोड़ा सा इस नंबर को बढ़ा देता हूं, ठीक है, थोड़ा सा इस नंबर को बढ़ा देता हूं जिससे तुम्हें और क्लियरिटी मिल जाए। मान लो 28 कॉइंस है, या 28 की जगह चलो 30 ले लेते हैं, 30 कॉइंस है। सेम सिनारियो चल रहा है फॉर 30 कॉइन, फिर तुम 22 के लिए बेटर वे में समझ पाओगे। ए और बी टू पर्सन है, दे कैन पिक मिनिमम 4 मैक्सिमम 8, मिनिमम 4 मैक्सिमम 8। ए का क्या सिनारियो चलता है, जैसे मैंने कहा कि अगर वो दोनों इंटेलिजेंटली खेल रहे हैं तो दे विल ऑलवेज ट्राई कि वो सम मेंटेन रहे। वो सम मेंटेन रहने का मतलब ये होता है कि जैसे मान लो कि ए ने 4 पिक किए तो बी ऑलवेज ट्राई कि उस सम को मेंटेन कर दे, फिर ए ने 4 पिक किए तो बी ट्राई करेगा कि 8 पिक कर ले। मतलब ये अगर तुम देखो पहले इसमें तो ये 12 कॉइन, ये 12 कॉइन, मतलब 24 कॉइन के बाद ये सिनारियो सेम हो गया। 24 क्वाइन तुम्हारे इनिशियल से स्टार्ट हो गया, तुम्हारा क्या हुआ कुछ भी, 4 और 8 सम मेंटेन हुआ, खत्म गेम। 4 और 8 सम मेंटेन हुआ, वहीं पे पहुंच गए जहां पे थे तुम, फिर से ए स्टार्ट करेगा। लेकिन ये स्टार्टिंग के जो 24 क्वाइंस हैं ये तुम्हारे लिए यूजलेस हो जाते हैं एक तरह से। मतलब क्या है कि आउट ऑफ 30 क्वाइंस तुम्हारा इस टाइप के क्वेश्चंस को काउंटिंग के वे में हम लोग सॉल्व करते हैं, काउंटिंग के वे में, लेकिन वैल्यूज कम करके। कि पहले वो लोग क्योंकि इंटेलिजेंटली खेल रहे होते हैं हमेशा, तो मिनिमम और मैक्सिमम सब मेंटेन करते हैं। तो 24 क्वाइन तो हमारे यहीं पे चले गए, मतलब मिनिमम प्लस मैक्सिमम के सम का जो मल्टीपल है आउट ऑफ 30, 24 क्वाइंस जो है वो मेरे लिए यूजलेस है। बचे कितने क्वाइन, केवल 6 क्वाइन। 6 क्वाइन के बीच में हम लोगों की चेकिंग होती है, वो कैसे होती है, अंडरस्टैंड दिस पार्ट। ए और बी, ए ने 4 पिक किए, अब ए की बारी आएगी, ए से ही गेम स्टार्ट होगा, 24 क्वाइन बी पे एंड हो गए हैं, ए पे गेम स्टार्ट होगा, 6 क्वाइन है मेरे पास। ए ने 4 पिक किए, ए ने 4 पिक किए, क्वाइन बचे 2। गेम क्या है, इफ द नंबर ऑफ क्वाइंस फॉल बिलो द गेम एंड, गेम एंड हो गया। ए ने पिक किए 5, नंबर ऑफ क्वाइन फॉल बिलो दिस, गेम एंड हो गया। ए ने पिक किए 6, फिर से गेम एंड हो गया। तीनों केसेस में जो लास्ट क्वाइन है वो ए पिक कर रहा है, पहले केस में भी, दूसरे केस में भी, तीसरे केस में भी, तीनों केसेस में लास्ट क्वाइन ए पिक कर रहा है। हमारा कह रहा है कि द वन हु पिक्स लास्ट लूजेस, दैट मींस तीनों केसेस में हु विल बी द लूजर, ए विल बी द लूजर, द गेम एंड्स। हाउ मच शुड ए पिक अप, The game ends. The one who picks last loses. तो कितने A को pick करने चाहिए? कितने coin A को pick करने चाहिए? तो कितने भी coin? अब यहाँ पे ये question ये मेरा था। A या तो 4 coin pick कर ले, या 5 pick कर ले, या 6 pick कर ले। जितने भी coin A pick कर ले, A will always be the loser of this game. ए इस गेम का लूजर होना ही होना है किसी भी कंडीशन में।
ए इस गेम का लूजर होगा। अब जो ओरिजिनल क्वेश्चन है उसको समझो, तुम्हारा गेम जो चल रहा है वो चल रहा है 22 कॉइंस के लिए। ये मेथड कब है बेटा? ये मेथड तब वर्क करेगा हमारा जब मिनिमम की वैल्यू इज नॉट इक्वल टू 1। मिनिमम जब 1 है तब तो हम लोग उस मेथड से कर देते, जब मिनिमम इज नॉट 1 तो तुम्हारा 22 कॉइंस है। ए और बी गेम स्टार्ट कर रहे हैं, मिनिमम 4 मैक्सिमम 8, मिनिमम 4 मैक्सिमम 8, 12 कॉइन जो होंगे 22 में। ये 4 लेगा तो ये 8 ले लेगा, ये अगर 5 लेगा तो ये 7 लेगा, मतलब ये पहले राउंड में 12 कॉइन्स को मेंटेन कर लेंगे। बचेंगे कितने कॉइन? 10 कॉइन्स ओनली, 10 कॉइन्स तुम्हारे पास बचे। अब समझो, ए ने 4 कॉइन पिक किए पहले, 10 कॉइन टोटल बचे थे, ए और बी के बीच में फाइट हो रही है, ए ने ए और बी के बीच में फाइट हो रही है, ए ने 4 कॉइन पिक किए, ए ने 4 कॉइन पिक किए, बी या तो 4 पिक करे या 5 पिक करे या 6 पिक करे, बी 4 पिक करे, 5 पिक करे, 6, क्योंकि टोटल 10 ही कॉइन है। बी अगर 4 कॉइन पिक करता है, बी अगर 4 कॉइन पिक करता है तो बी अगर 4 कॉइन पिक करेगा बचेंगे कितने? 2 कॉइन। बट इफ द नंबर ऑफ कॉइंस फॉल बिलो 4 गेम एंड, तो ये बी हार गया। मतलब बी ने अगर 5 पिक किए तो बचे कितने? 1 कॉइन। टोटल 10 थे ना, ए ने 4 पिक किए, बी 4 पिक करेगा 2 कॉइन बचेंगे, गेम एंड। बी 5 पिक करेगा 1 बचेंगे, गेम एंड। बी 6 पिक करेगा 0 बचेंगे, गेम एंड। बिकॉज क्वेश्चन क्या था? वन हु पिक्स लास्ट लूजेस, तो बी विल बी द लूजर। तो जब ए 4 पिक करेगा देन बी विल ऑलवेज बी लूजर। इसी तरह जब ए 5 पिक करेगा तो बी या तो 4 पिक करे या 5 पिक करे, इन दोनों में कोई भी पिक करता रहे, या 4 पिक कर ले या 5 पिक कर ले। 4 पिक करेगा तो 1 कॉइन रह जाएगा, गेम एंड। 5 पिक करेगा 0 कॉइन रह जाएंगे, गेम एंड। अगेन बी ए विल बी द विनर बिकॉज लास्ट पर्सन हु पिक्स लूजेस। फिर अगर ए ने 6 कॉइन पिक किए, अगर ए ने 6 कॉइन पिक किए तो 4 पिक करने पड़ेंगे बी को, मजबूरी है। एंड द लास्ट हु विल पिक लूजेस, दैट मींस ए 4 पिक करे या 5 पिक करे या 6 पिक करे, तीनों केसेस में ए विल बी द विनर, ए विन करेगा। अगर तुम सोचो कि ए को 7 पिक करा दो, ए अगर 7 पिक करेगा देन ही विल बी द लूजर बिकॉज कॉइन कितने रह जाएंगे? 3 कॉइन रह जाएंगे, 3 कॉइन रह गए। एंड द नंबर ऑफ कॉइन फॉल बिलो 4 गेम एंड, मतलब लास्ट कॉइन ए ने पिक किया, ही विल बी द लूजर। सो ए 7 और 8 में कुछ भी पिक करेगा, ए विल बी द लूजर। अगर ए 4 5 6 में कुछ पिक करेगा देन ए विल बी द विनर। एक और एग्जांपल दिखाता हूं, इसको समझ आ गया तो एक लाइक जरूर कर दो, समझ आ गया तो लाइक जरूर कर दो। एक और एग्जांपल दिखाता हूं, जैसे मान लो कि मिनिमम नंबर ऑफ कॉइन 4 है, मैक्सिमम दे कैन पिक 8 है, ठीक है, मिनिमम 4 मैक्सिमम 8, और तुम्हारे पास जो कॉइन है दैट इज 54 कॉइंस, 54 कॉइंस है, और क्वेश्चन कह रहा है कि ए कितने कॉइन पिक करे दैट ही विल बी द विनर। क्वेश्चन पूरा पूरा चेंज कर दे रहा हूं मैं, मिनिमम कॉइन है 4, मैक्सिमम है 8, टोटल नंबर ऑफ कॉइंस है 54, एंड द लास्ट जो 1 पिक करता है, लास्ट जो पिक करता है ही इज द विनर, जो लास्ट पिक करता है ही इज द विनर, वो विनर है, अंडरस्टैंड। 8 प्लस 4 12 के मल्टीपल वाले तो हमारे लिए बेकार होंगे, 48 क्वाइन हमारे लिए खराब हो गए। फाइट कितने क्वाइंस में? सिर्फ 6 क्वाइंस में फाइट, ए बी। अब देखो, अगर ए ने 4 क्वाइन पिक किए, अगर ए ने 4 क्वाइन पिक किए, अब समझो ये कंडीशन है तुम्हारी, और इधर नंबर ऑफ क्वाइंस फॉल बिलो 4 गेम एंड। ए ने अगर 4 कॉइन पिक किए तो कॉइन कितने रह गए? 2 कॉइन रह गए। अगर 2 कॉइन रह गए, 2 कॉइन अगर रह गए, ए ने 4 कॉइन पिक किए, 2 कॉइन रह गए, गेम एंड हो गया, तो लास्ट कॉइन तो ए ने पिक किया, ही विल बी द विनर। ए ने अगर 5 कॉइन पिक किए, 1 कॉइन रह गया, अगेन ए विल बी द विनर। ए ने अगर 6 कॉइन पिक किए,
अगेन ही विल बी द विनर. तो ए फोर पिक करे, फाइव पिक करे, सिक्स पिक करे, ही विल बी द विनर. अगर लास्ट जो पिक कर रहा है ही विल बी द विनर. अगर लास्ट वाला इसी में लूजर होता तो तीनों केसेस में बी विल बी द विनर, बी विनर होता. एक और क्वेश्चन देखो. क्वेश्चन कह रहा है कि 100 मिनिमम बॉल्स टू बी पिक्ड, 4 मैक्सिमम बॉल टू बी पिक्ड 7. टू पर्सन्स हनी एंड शनी प्लेइंग द गेम एंड लास्ट वन पिकिंग द बॉल विंस द गेम. हाउ मेनी बॉल्स शुड अ पर्सन स्टार्टिंग द गेम मस्ट पिक इन ऑर्डर टू वन. तुम्हें पता है कि टोटल नंबर ऑफ बॉल्स जो है वो 100 है, 100 बॉल्स है. मिनिमम 4 है, मैक्सिमम 7 है, सम कितना है 11. 11 का मल्टीपल 99 बॉल्स जब यूजलेस हो जाएंगी हमारे लिए. देखो ए बी 99 बॉल्स बी पे ओवर हुई होंगी, यहां पे बी पे 99 बॉल्स ओवर हुई होंगी, बी पे एक बॉल रह गई होगी, वन बॉल, एक बॉल केवल रह गई होगी. बट मिनिमम नंबर ऑफ बॉल्स ही कैन पिक दैट इज इक्वल टू 4, मिनिमम 4 पिक हो सकती है. बी पर 99th बॉल जो पिक करी होगी वो बी ने करी होगी. समझो कह रहा है हाउ मेनी बॉल शुड अ पर्सन स्टार्टिंग द गेम मस्ट पिक इन ऑर्डर टू विन. बी ही जीतेगा इस गेम को किसी भी हाल में, ए कितना भी पिक करता रहे बी ही इस गेम को जीतेगा. अंडरस्टैंड कैसे, ए ने मान लो तुमने सोचा कि ए फाइव बॉल पिक करे, फाइव बॉल पिक करे, तो बी क्या करेगा, सिक्स पिक कर लेगा. तुम सोचोगे ए ने टू पिक कर, ए ने लेट करो फोर पिक करी, बी सेवन पिक कर लेगा. ए ने लेट करो सेवन पिक करी, बी फोर पिक कर लेगा. बी हर बार क्या करता रहेगा कि 11 का मल्टीपल मेंटेन करता रहेगा. हर बार बी इंटेलिजेंटली खेल रहा है, 11 के मल्टीपल पे जाके 99th बॉल ये पिक कर लेगा, 99th बॉल पिक कर लेगा, एक बॉल रह जाएगी केवल, एक बॉल जो रह जाएगी वो गेम एंड हो चुका होगा. और हम लोगों से पूछ रहा है हाउ मेनी बॉल शुड अ पर्सन स्टार्टिंग द गेम मस्ट पिक इन ऑर्डर टू विन. ही कैन नॉट विन द गेम, ही कैन नॉट विन द गेम इन एनी कंडीशन. ऑलवेज बी विल बी द विनर, द सेकेंड पर्सन विल बी द विनर. ए कितनी भी बॉल पिक करे बी इस गेम को जीत जाएगा. समझ गए हो, एक क्वेश्चन मैं दे रहा हूं जल्दी से उसका आंसर बताओ. समझ गए हो तो एक लाइक जरूर कर दो, जल्दी से इसका आंसर बताना. जैसे मान लो कि नंबर ऑफ जो बॉल्स, नंबर ऑफ क्वाइंस इज इक्वल टू 30, मिनिमम इज इक्वल टू 3, मैक्सिमम इज इक्वल टू 5, फाइंड हाउ मेनी बॉल्स, हाउ मेनी बॉल्स शुड ए पिक इन ऑर्डर टू विन, इन ऑर्डर टू विन, एंड द लास्ट वन हु पिक्स द बॉल, पिक्स द बॉल या क्वाइन, पिक्स द क्वाइन इज विनर. ठीक है, और तीन से अगर कम होंगी बॉल्स, अगर बॉल्स लेस देन 3 हैं देन गेम एंड्स. इसका आंसर तुम कमेंट सेक्शन में मुझे करके बताना. सेशन ओवर करते हैं, अगर पसंद आया हो तो एक लाइक जरूर कर दो. इसी का एक्सटेंशन हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे कि तीन पर्सन के साथ कैसे डील करते हैं. बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, एक बार आराम से देखोगे यू विल अंडरस्टैंड द कंप्लीट कॉन्सेप्ट. एक लाइक जरूर कर दो, शेयर जरूर कर दो फ्रेंड्स के साथ. आई होप यू एंजॉयड द सेशन. थैंक्स एंड हैप्पी लर्निंग. नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे तीन पर्सन के कॉन्सेप्ट के क्वाइन के साथ. इसका सॉल्व करके सबको कमेंट सेक्शन में अपना आंसर देना है कि कितनी बॉल्स ए पिक करे जिससे जीतने के लिए. अगर नहीं जीत रहा है तब भी बताओ, जीत रहा है तो कितनी बॉल पिक कर सकता है, 3, 4, 5, उनमें से कितनी बॉल पिक कर सकता है टू बी द विनर. चलो थैंक्स एंड हैप्पी लर्निंग.